Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. Then I'm Manisha and welcome back to my channel. तो फ्रेंड्स आज मैंने रिक्रिएट किया है टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो हाई रेटेड टीआरपी कुंडली भाग्य सीरियल से श्रद्धा आर्या जिन्हें हम प्रीता के नाम से जानते हैं उनका लुक मैंने रिक्रिएट किया है। जस्ट कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस लुक को अपने फेसबुक और इंस्टा पे पोस्ट किया था। जस्ट आई थॉट मैं भी इसे क्यों ना रिक्रिएट करूँ। तो देखना आज ये है कि मैं इस लुक के साथ कितना जस्टिफाई कर पाती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्किन को प्रिप करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ फर्स्ट यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का निरोली रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट। इससे आपके स्किन हाइड्रेट हो जाएंगे, नरिश हो जाएंगे, आपके ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे एंड फ्रेशनेस आपको मिलेगा। इसको यूज़ करने के बाद इस तरीके से टैप टैप करके अप्लाई कर लेना है। सेकेंड यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग फेसियल ऑयल। इसकी 2-3 ड्रॉप ही बहुत होती है आपके फेस को नरिश एंड मॉइस्चराइज करने के लिए। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से वार्म अप करते हुए अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फिंगर की हेल्प से। इससे आपके स्किन को बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र मिलेगा, मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा आपके स्किन को, जिससे आपका मेकअप केकी या पैची नहीं दिखेगा, स्मूथ लगेगा आपका मेकअप। तो मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्टे कुर्की का लिप बाम। आप यहाँ पे कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, बस आपके लिप को नरिश एंड मॉइस्चराइज करना है। थोड़ी सी फिंगर की हेल्प से अपने लिप को मसाज दीजिए। हमेशा लिप बाम अप्लाई करने के बाद लिप को मसाज जरूर किया करिए, ताकि आपके लिप बाम आपके लिप्स में एब्जॉर्ब हो जाए एंड स्मूथ हो जाए आपके लिप्स। तो मैंने यहाँ पे लिप बाम अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर्पल का सिटी एजेंट 1 कलर करेक्टिंग कंटूरिंग कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इससे मैंने ये रेड शेड लिया है क्योंकि सेलिब्रिटीज़ या फिर एक्ट्रेस के फेस पे कलर करेक्टिंग बहुत ज़रूरी होता है करना। तो मैंने जस्ट उनके मेकअप को फॉलो करते हुए रिक्रिएट किया है। तो कुछ इस तरीके से जहाँ भी मुझे लग रहा है कि मुझे कलर करेक्टिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने इसको अप्लाई कर लिया। जहाँ मेरे फेस पे रेडनेस है या फिर छोटे छोटे दाने पिंपल वगैरह है वहाँ मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। लाइक जस्ट 1 लेयर बेस की तरह मैंने इसे अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, NYVA का कंसीलर है ये। इसका जो भी मैं आज प्रोडक्ट यूज़ करूँगी सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना कि मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है इस लुक को रिक्रिएट करने में। अब इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड आउट करते हुए पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया वहाँ वहाँ इसको ब्लेंड कर दूँगी, ताकि ये एक बेस की तरह फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले, कंसीलर अप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारा फाउंडेशन उभर के आता है, फाउंडेशन आपका कभी भी काला नहीं पड़ेगा। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड 1-5 है। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, आप अपने फेस की स्किन कलर के अकॉर्डिंग आप अपना फेस फाउंडेशन चूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे डैप डैप करके अप्लाई कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी लुक क्रिएट करते हो या फिर मेकअप करते हो उसमें आपको फाउंडेशन को ब्लेंड प्रॉपरली अच्छे से करना होता है, क्योंकि अगर आपका बेस बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ रहेगा तभी आपका मेकअप लॉन्ग स्टे करेगा, लंबे समय तक टिका रहेगा। फिर आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो या फिर बाहर निकलना हो आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग स्टे करेगा। यहाँ पे मैंने अपने हेयर को पीछे रोल किया है इस वजह से लुक थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको इग्नोर करिएगा। अब मैं यहाँ पे आई को कंसील करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये है ओरी फ्लेम का द वन इल्यू स्किन कंसीलर। तो जस्ट इससे मैं अपने आई को कंसील कर रही हूँ क्योंकि आईज जो है वो थोड़े डार्क दिख रहे थे, तो उसको कंसील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे आई को कंसील किया है और थोड़ी सी नोज के पास, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेडनेस लग रही थी और अपर लिप्स निकल आए हैं तो थोड़ी सी ब्लैकिश लग रही थी, तो मैंने जस्ट अपने कंसीलर से उसको हाइड कर दिया है, क्योंकि कंसीलर से ही कंसीलर का काम ही होता है
डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस को हाइड करना। अब मैं फेस कंट्यूर कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से पाउट करते हुए कंट्योर कर लेना है, क्योंकि ये क्रीम कंट्योर है इसलिए हम यहाँ पे पाउडर अप्लाई करने से पहले कंट्योर करेंगे। और जस्ट मैंने श्रद्धा आर्या यानी कि प्रीता के फेस के जो लाइन को फॉलो करते हुए कंट्योर किया है अपने फेस को, थोड़ा सा मैंने उनके जैसे फेस कटिंग जिसे हम बोलते हैं एक फेस का कटिंग, उसको फॉलो करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे फेस का कटिंग और उनके फेस का कटिंग सेम नहीं है, सबका अलग अलग होता है। तो अगर हम किसी का इंस्पायर्ड लुक करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, तो थोड़े बहुत उनके मेकअप लुक या फिर उनके फेस लुक को फॉलो करते हैं। तो जस्ट मैंने कंट्यूर करके उनके फेस के शेप को फॉलो करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे उनके जैसे दिखने या उनके जैसे बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे उनका लुक रिक्रिएट किया है। ऑब्वियसली वो टीवी सीरियल की एक्ट्रेस हैं, वो भी अभी टॉप ट्रेंडिंग एक्ट्रेस में से वो फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर ट्रेंडिंग कर रही हैं श्रद्धा आर्या यानी कि हमारी प्रीता। कुंडली भाग्य टीवी सीरियल काफ़ी मोस्ट पॉपुलर हो चुका है अभी इस समय, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे भी अच्छे लगते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब मैं यहाँ पे ये स्टे कुर्की की ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपने पूरे बेस को सेट कर लूँगी। कुछ इस तरीके से पहले मैं अपने आई पे जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया था पहले उसको सेट कर दूंगी ताकि कोई क्रीज ना पड़ जाए। अंडर आई के नीचे थोड़ा ज़्यादा से लूज़ पाउडर अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें अभी आई मेकअप करना बाकी है। आई मेकअप करते समय हमारा आई शेडो फॉल होता है जिसके वजह से हमारे फेस के बेस मेकअप को कलर ना कर दे, इस वजह से हम वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा से अप्लाई करते हैं ताकि बाद में हम डस्ट आउट कर दें। अब मैंने यहाँ पे ये दोनों आई शेडो पिक करके अपने फेस आईज़ के क्रीज़ पे अप्लाई कर लिया था। अब मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लेके क्रीज़ को थोड़ा डिफाइन करते हुए इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि प्रीता ने ज़्यादा बोल्ड मेकअप नहीं किया है, उनका आई काफ़ी सॉफ्ट लुक दे रहा था, तो मैंने भी बस सॉफ्ट आई मेकअप क्रिएट किया है। आई पे मैंने वो थोड़ा सा सिमरी सेट लेके अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से जो भी मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई किया था अपने फेस पे उसको डस्ट आउट कर दूंगी, क्योंकि आई मेकअप करने के दौरान 3-4 मिनट तक ये मेरे फेस पे था। अब इन दोनों कलर को मिक्स मैच करके लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि सॉफ्ट लुक है, बोल्ड आई नहीं है, तो मुझे थोड़ा सॉफ्ट आईज ही रखना है, जस्ट उनके लुक को फॉलो करना है मुझे। तो बस थोड़ा सा मैंने स्मच आउट कर लिया है नीचे और दोनों आईज़ के लैस लाइन को। अब मैं यहाँ आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का, बहुत ही चिपेस्ट आईलाइनर है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, काफ़ी मैट फिनिश आईलाइनर है ये। अगर इसको अप्लाई करने के बाद काफ़ी सटल सा फिनिशिंग आता है और बहुत जल्दी ड्राई आउट भी हो जाता है, बट आज जब मैं अप्लाई कर रही थी तब ये जल्दी सूख ही नहीं रहा था, फ़ैन ऑफ था और ये वर्क नहीं कर रहा था, गर्मी बहुत है तो जल्दी सूख नहीं रहा था, जिसके वजह से ये मेरे अपर आईलिड पे लग गया था। तो बस थोड़ा सा विंग क्रिएट करते हुए मैंने अपना आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। काजल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनाटा का मैग्नेट ब्लैक काजल, और इसको मैं अपने अपर लैश लाइन पे स्मच करूँगी, क्योंकि श्रद्धा आर्या यानी कि प्रीता काजल अप्लाई नहीं की है इस लुक में, लोअर लैश लाइन पे ज़्यादा काजल नहीं दिखा मुझे, तो मैंने बस नेचुरल सा आई लुक किया है। मैंने भी नीचे में काजल ब्लैकिश नहीं स्मच किया है, बस नॉर्मल सा मैंने बस थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे काजल अप्लाई कर दिया। अब मैं उसी आई शैडो पैलेट से ब्राउन आई शैडो लेके अपने आईब्रो फिल कर ले रही हूँ। श्रद्धा आर्या का आईब्रो ज़्यादा चौड़ा जिसे कहते हैं, ज़्यादा चौड़ा या मोटा नहीं है, उनका भी आईब्रो बस जस्ट पतला सा एरो के शेप में उनका आईब्रो है, तो मैंने भी एरो शेप फॉलो करते हुए अपने आईब्रो को फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का ग्लैम ऑन मस्कारा, और इसको कुछ पहले मैं नीचे की ओर अप्लाई करूँगी ताकि जो भी आई शैडो मेरे आई लैसेस पे फॉल हुआ था वो हट जाए, उसके बाद अपर वे की ऊपर की तरफ इसको अप्लाई करेंगे ताकि लैसेस जो है वो
लिफ्टेड हो जाए। ये मस्कारा भी बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छे से आपके लैसेस को अपलिफ्ट करता है, लॉन्गर दिखाता है। आप देख सकते हो मैंने जस्ट अभी अपने आईज़ पे मस्कारा ही अप्लाई किया है, मेरे लैसेस कितने क्लियर दिख रहे हैं। और इसको जस्ट मैं अपने थोड़े से आईब्रो पे भी अप्लाई कर देती हूँ ताकि जो पाउडर प्रोडक्ट मैंने लगाया था आई शेडो वो सेट हो जाए। एक क्यू टिप लेना है और जो आईलाइनर मेरे अपर लिड पे लग गया था उसको जस्ट हल्का सा ऐसे करेंगे, हट जाएगा। जब आपको ऐसे मिस्टेक्स हो जाएं आईलाइनर लगने पे तो आप उसको सूखने दीजिए, उसके बाद एक क्यू टिप से अप्लाई हटाइए, जल्दी हट जाएगा। गीला में अगर आप हटाओगे तो आपका आईलाइनर के साथ आपका आई मेकअप आई शैडो भी ख़राब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फेक आईलैशेस अप्लाई करने के बाद उसको दोबारा से आईलाइनर किया और यहाँ मैं दोबारा से मस्कारा कोट कर रही हूँ ताकि मेरे फेक एंड ओरिजिनल दोनों आईलैशेस मर्ज हो जाए। अब मैं यहाँ दूसरी आई शैडो पैलेट से ब्राउन शेड आई शैडो मैट आई शैडो लेके अपने चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ एज अ ब्लशर। तो यहाँ पे मैंने मैट आई शैडो अप्लाई किया है क्योंकि मुझे लुक मैट रखना है, ग्लॉसी नहीं था, इसलिए मैंने सिमरी ब्लशर यूज़ नहीं किया है। ये ब्राउन शेड में ब्लशर यूज़ किया है मैंने क्योंकि उनका फेस जो है वो भी कोई रेडनेस या पिंकनेस वाला ब्लशर नहीं लगा मुझे उनके फेस पे, जस्ट सटल सा न्यूड सा लगा। तो मैंने ये वाला कलर अभी अप्लाई किया है, थोड़ा सा चिक बोन पे और थोड़ा सा फोरहेड पे मैं ब्लशर अप्लाई करूँगी। अब मैं यहाँ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का और एक ब्रश की हेल्प से अपने टॉप ऑफ द चीक्स पे अप्लाई करूँगी। जब प्रोडक्ट ब्रश का ख़त्म हो जाए तो आप उसे थोड़ा सा नीचे जहाँ पे आपने ब्लश अप्लाई किया है वहाँ पे उसको ब्लेंड आउट कर दीजिए। सबसे पहले टॉप पे, उसके बाद नीचे अप्लाई करेंगे, फिर ब्रिज ऑफ नोज एंड टिप ऑफ नोज, टॉप ऑफ नोज, पहले नोज के ब्रिज पे, फिर उसके नोज, उसके बाद नोज के टॉप पे, उसके बाद फोरहेड, चिन एंड अपर लिप्स पे भी आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्लो देता है। उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने टीयर डक्स को हाईलाइट किया है, फिर उसके बाद मैंने अपने ब्रो बोन को हाईलाइट किया है। कि ये सब हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ अक्सर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, अक्सर सेलिब्रिटीज़ का फेस ग्लोई लगता है। फिर मैं यहाँ लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, NYV का न्यूड शेड इसमें 15 है और ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा न्यूड कलर है। आजकल न्यूड मेकअप एंड न्यूड लिपस्टिक इतना ट्रेंड कर रहा है, हर सेलिब्रिटी आपको न्यूड लिपस्टिक एंड न्यूड मेकअप में ही दिखेंगी। तो आजकल का ट्रेंडी मेकअप है न्यूड मेकअप लुक एंड न्यूड लिप्स, न्यूड लिपस्टिक, एवरीथिंग इज़ न्यूड। तो बहुत ट्रेंड कर रहा है न्यूड मेकअप लुक्स। तो जस्ट मैंने ब्रश की हेल्प से अपने लिप को आउटलाइन कर लिया है, उसके बाद मैं लिपस्टिक से अपने लिप को फिल कर लूँगी। वही सेम लिपस्टिक से मैंने अपने लिप्स को फिल कर लिया है। अब मेकअप ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा नेक बोन को हाईलाइट करेंगे क्योंकि साड़ी पे ये वाला पार्ट हाईलाइट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब पतला सा सिंदूर अप्लाई कर लेना है एंड उसी सिंदूर से मैंने छोटा सा बिंदी की तौर पे इसे अप्लाई कर लिया है और ये रहा फ्रेंड्स मेरा फाइनल लुक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, मैंने इस लुक के साथ कितना जस्टिफाई किया है प्लीज़ आप लोग मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ लाइक पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ना और रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आईडी मेंशन कर दूँगी। तो मैं मनीषा मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।